Hi everyone, this is Ramya. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna share with you wedding guest makeup look. तो wedding season चल रहा है तो मैंने सोचा create करते हैं look. और तो सबसे पहले मैंने start किया toner से. मैंने apply करा toner moisturizer नहीं facial oil. तो मैं use करी purple का ये facial oil और अच्छी तरीके से पूरे face पे मैं apply कर लूँगी. एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का फाउंडेशन, स्विस ब्यूटी का कंसीलर और अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे लाइटली डैब डैब करके. तो बोलते हैं कि ब्लेंडर को पानी में आप डिप करके रखो, उसके बाद आप फाउंडेशन ब्लेंड करो तो वो कम ऑब्जर्व करेगा. मुझे लगता है कि ब्लेंडर तब उसके बाद ज़्यादा ऑब्जर्व करता है फेस से ज़्यादा. तो मुझे लगता है वो ब्लेंडर में ही जाता फाउंडेशन. अब मैं यूज़ कर रही कॉन्टो. तो कॉन्टो मैं बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं यूज़ कर रही हूँ, लाइटली मैं यूज़ कर रही हूँ. और नोज़ वगैरह पे अप्लाई कर लिया मैंने और इसे मैंने एक फ्लफी ब्रश से ब्लेंड कर लिया. और ये काफ़ी अच्छा ब्रश है, काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है और इसका कर्वी शेड काफ़ी अच्छा है. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लश. तो यहाँ पर मैं पीच ब्लश यूज़ कर रही हूँ. ये लिप्स क्रेयॉन है लेकिन मैं एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीच लुक चाहिए था तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ. पीच ब्लश ऐसा है कि आपको हर एक लुक पे चला जाता है और मेरे पास शुगर का था वो ख़त्म हो गया इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है, बढ़िया लुक देता है. इसके बाद आप पाउडर फॉर्म पाउडर भी यूज़ करते हो, पाउडर ब्लश भी यूज़ कर सकते हो. वो भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रहेगा. और मैं यूज़ करी आई शेडो. तो यहाँ पे मैंने एक लाइट शेड यूज़ किया है एज अ बेस. उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन आई शेडो और उसे मैंने अपने आई क्लिप्स पे अप्लाई करा और उसे अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि आईलिड पर मैं यूज़ करूँगी शिमरी आई शेडो इसलिए. तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है. और थोड़ा सा और डार्क शेड मैंने लिया है वो आउटर लाइन पे मैंने अप्लाई करा है और थोड़ा सा मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि एक स्मोकी लुक क्रिएट हो, ज़्यादा डार्क नहीं करा. फिर मैंने लिया यहाँ पे शिमरी आई शेडो और उसे मैंने अपने आईलिड पे अप्लाई करा. ये काफ़ी अच्छा शिमरी शेड है और मुझे शेड नहीं पता क्योंकि ये कलर समझ नहीं आता कौन सा शेड है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा शेड है, मेटैलिक कलर है. मेटैलिक भी नहीं है, थोड़ा सा ग्रीन से मैच करता हुआ है. और इसे मैंने अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया. यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी काजल. तो काजल मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं अप्लाई करूँगी, एक वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी और मैं एक फ्लैट ब्रश से इसे स्मर्ज कर लूँगी हल्का सा, थोड़ा सा स्मोकी लुक आ जाए जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि मैं आईलाइनर नहीं यूज़ करूँगी इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश से स्मर्ज कर लिया. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक और हाइलाइटर. तो ये हुआ मेरा मेकअप कंप्लीट. आई होप यू गाइस लाइक इट. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना.